नमस्कार साथियों, आज हम महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में परिचर्चा करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी की भूमिका के बारे में हम पिछले 3 व्याख्यानों में परिचर्चा कर रहे हैं। इन 3 व्याख्यानों में हमने महात्मा गांधी के इंट्रोडक्शन के बारे में, गांधी के 3 छोटे छोटे रीजनल इकोनॉमिक डिमांड बेसिस मूवमेंट के बारे में, जिसमें चंपारण किसान सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा किसान सत्याग्रह, दूसरे भाग में हमने परिचर्चा की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी का असहयोग आंदोलन 1920 से 1922, तीसरे पार्ट में हमने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और साल्ट मार्च अथवा साल्ट सत्याग्रह के बारे में परिचर्चा की, महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के बारे में परिचर्चा की। आज हम महात्मा गांधी के क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में परिचर्चा करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हम अपना व्याख्यान शुरू करें उससे पहले हमें उन परिस्थितियों को, उस पृष्ठभूमि को और उस बैकग्राउंड को समझना होगा जिस पृष्ठभूमि के आधार पर क्विट इंडिया मूवमेंट का ऐलान करना पड़ा अथवा महात्मा गांधी के द्वारा एक बड़े तीसरे जन आंदोलन का आगाज किया गया, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले 1939 से 1945 तक, जो कि ग्रेट सेकेंड वर्ल्ड वार की टाइमलाइन है। दूसरा महायुद्ध 1939 से 1945 की समय अवधि में लड़ा गया। जब बात 1939 की करें तो 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया, 1939 से 1945 के बीच पिछले 3 वर्षों की जो समय अवधि थी, उस टाइमलाइन में ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो, भारतीय राजनीतिक परिदृश्य की क्या दशा थी, व्हाट वर द डायरेक्शन ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो, भारतीय राजनीतिक परिदृश्य की क्या दशा थी, दिशा थी, उसके बारे में परिचर्चा की जाए। सबसे पहले अगर बात 1939 की जाए तो 1937 से 1939, जुलाई 1939, इस टाइम लाइन में 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में से 8 प्रांतों में इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। जब द्वितीय महायुद्ध में अंग्रेजों को भारतीय सहयोग प्राप्त करना था, उस भारतीय सहयोग के बदले इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनमानस की ये मांग थी कि यदि उनसे द्वितीय महायुद्ध में सहयोग लिया जाता है तो बदले में उन्हें किसी ना किसी प्रकार की स्वराज की, स्वतंत्रता की, संवैधानिक गतिरोध को दूर करने की अथवा राजनीतिक समस्या के समाधान की कोई ना कोई नीति, योजना, प्लान अथवा कमिटमेंट किया जाए, कोई प्रपोजल दिया जाए। बिना किसी कंडीशन के सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन ने भारत को शामिल करते हुए द्वितीय महायुद्ध में भाग लेने की घोषणा कर दी है। भारतीय इस निर्णय से भारतीय जनमानस बड़ा क्षुब्ध है। इसलिए उसकी मान्यता है, विश्वास है कि पहले ब्रिटिश साम्राज्य को किसी ना किसी प्रकार की उद्घोषणा करनी चाहिए, किसी ना किसी प्रकार का वादा करना चाहिए, किसी ना किसी प्रकार का उनको प्रतिबद्धता अभिव्यक्त करनी चाहिए। तत्कालीन वायसराय लिनिथ गो के द्वारा, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चैम्बरलेन के नेतृत्व में लिनिथ गो का यह कहना कि युद्ध की इन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार भारतीयों से किसी प्रकार की वार्तालाप नहीं करेगी, किसी प्रकार का कमिटमेंट नहीं करेगी और किसी प्रकार का
की सांत्वना नहीं देगी और ना ही कोई योजना का विचार है। इसके प्रतिरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने अक्टूबर 1939 को रिजाइन कर दिया गया। 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया। आफ्टर टू मंथ्स 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा इसे फ्री डे अथवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। कांग्रेस के राज से मुसलमानों को मुक्ति मिली, स्वतंत्रता मिली। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन वो प्रसन्नता का दिवस अंबेडकर, मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा अभिव्यक्त मनाया गया, आयोजित किया गया। 1940 जब गतिरोध विखंडित होता हुआ नहीं दिखाई दिया, गतिरोध टूटता हुआ नहीं दिखाई दिया, तो लिनित गो के द्वारा एक प्रपोजल लाया गया जिसे अगस्त प्रपोजल के नाम से जाना जाता, अगस्त प्रस्ताव। 8 अगस्त 1940 को तत्कालीन वायसराय लिनित गो ने अगस्त प्रपोजल प्रस्तुत किया। अगस्त प्रस्ताव में वादा किया गया कि युद्ध के बाद, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, जब भी युद्ध समाप्त होगा, उसके बाद भारतीय स्वाधीनता के संदर्भ में, डोमेन स्टेट के संदर्भ में और उनकी राजनीतिक समस्या के समाधान के संदर्भ में निर्णय किया जाएगा, बातचीत की जाएगी, प्लान बनाया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग ने इस अगस्त प्रपोजल को ठुकरा दिया। अगस्त प्रस्ताव से मुस्लिम लीग की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, इमरजेंसी ऑफ पाकिस्तान की पूर्ति नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने मना किया। कांग्रेस बिना किसी स्पष्ट और लिखित निर्णय के युद्ध में भाग लेना नहीं चाहती है, इसलिए उन्होंने अगस्त प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। ब्रिटिश सरकार की तरफ से युद्ध में भाग लेने को लेकर भी तीन तरह के मतभेद इस समय देखने को मिलते हैं साथियों। नंबर एक, महात्मा गांधी का दृष्टिकोण कि ब्रिटिश साम्राज्य के दुर्भाग्य पर हम अपना सौभाग्य नहीं लिख सकते, उनके ऊपर संकट काल है और ऐसी संकट की घड़ी में हमें ब्रिटिश साम्राज्य का साथ देना चाहिए, जैसे कि पहले विश्व युद्ध में भी महात्मा गांधी ने भारतीयों को ब्रिटिश सेना में शामिल होने का आग्रह किया, निवेदन किया, इसलिए उन्हें इंडियन सर्जेंट के रूप से नाम से जाना जाता है और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें केसरी हिंद की उपाधि से भी सम्मानित किया, इस समय भी उन्होंने ऐसा कहा। दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू जो फासीवादी ताकतों, साम्यवादी ताकतों के प्रतिरोध में हैं, हिटलर और मुसोलिनी, जापान, रोम, बर्लिन धुरी, टोक्यो की जो धुरी है उसके प्रतिरोध में है, डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं, वो स्वराज चाहते हैं लेकिन द्वितीय महायुद्ध में ब्रिटेन की विजय हो, भारत की भी विजय हो। तीसरा दृष्टिकोण सुभाष चंद्र बोस का है, जिनका ये मानना है कि हमारे लिए सुअवसर है, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे के उद्घोष के साथ उनका कहना है कि ब्रिटेन के ऊपर ये संकट हमारे लिए सौभाग्य है और हमें इसे इस सुअवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण के बावजूद द्वितीय महायुद्ध में भारत की तरफ से भाग लिया गया। भारतीय सेनाओं ने, मुस्लिम सेनाओं ने, हिंदू सेनाओं ने, जिनका प्रतिनिधित्व था, उन सब ने ब्रिटेन की तरफ से महायुद्ध में भाग लिया, इसमें कोई संदेह न था। राजनीतिक गतिरोध और संवैधानिक समस्या को दूर करने के लिए महात्मा गांधी के निर्देशन में एक बड़े मूवमेंट की तैयारी की बात कही गई, परंतु महात्मा गांधी इस बार यहाँ तक तैयार नहीं होते हैं। इसलिए अक्टूबर 1940 में, जब मार्च 1940 में लाहौर मुस्लिम लीग अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का राग अलापा, अथवा हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की बात कही, कि पाकिस्तान का जो सपना था, बेसिकली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्कॉलर चौधरी रहमत अली के द्वारा जिस ज्योग्राफिकल पाकिस्तान की इमेजिनेशन की गई है, जिन्होंने 1937 में नाउ एंड नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं लेटर लिखा, उस चौधरी रहमत अली की इमेजिनेशन को साकार करने का प्रयास किया गया और 22 से 24 मार्च 1940 लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, जिसमें अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की और उन्होंने टू नेशन थ्योरी
को प्रतिपादित किया। द्विराष्ट्र सिद्धांत इसे कहते हैं। तो प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि टू नेशन थ्योरी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 1940 के मुस्लिम लीग अधिवेशन में पारित किया गया सिद्धांत है। हिंदू और मुसलमान दोनों की जीवन शैलियाँ अलग हैं, रीति रिवाज हैं, कुछ आस्थावादी हैं, निराशावादी हैं, कुछ साकार ईश्वर में विश्वास करते हैं, लाखों करोड़ों देवी देवताओं में विश्वास करते हैं, कुछ अनीश्वरवाद को मानते हैं। तो इसलिए उनका यह मानना है कि दोनों की जीवन शैली, दिनचर्या, कल्चर सब अलग है, इसलिए अलग अलग नेशन होने चाहिए धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर दो अलग अलग राष्ट्र होने चाहिए, उनकी हिसाब मान्यता है। इसके बाद रामगढ़ अधिवेशन के अंतर्गत मौलाना आजाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और 1940 से लगभग 46 द्वितीय महायुद्ध के दौरान पूरे समय में मौलाना आजाद राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन अथवा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किया गया, जिसमें पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त बरे, लगभग 25,000 सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया। व्यक्तिगत रूप से एक बड़ा आंदोलन था। ठीक इसी समय पल हाल्बर पर 1941 में आक्रमण होता है, अमेरिका युद्ध में एंट्री मारता है। दूसरी तरफ जापान के साथ इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद सेना आगे बढ़ती हुई नागालैंड, कोहिमा, म्यांमार के क्षेत्र तक पहुंचती है, जिससे ब्रिटिश सरकार घबरा जाती है। ब्रिटिश सरकार को दोहरे मोर्चे पर लड़ना है। सुभाष चंद्र बोस, भारतीय स्वाधीनता सेनानी आनंद मोहन बोस, जिनके नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ है, वे इंडियन नेशनल आर्मी जापानी सेनाओं के साथ मिलकर भारत की ओर आगे बढ़ती जा रही है। द्वितीय महायुद्ध का खतरा भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, मंडरा रहा है और निकट है। इस वजह से तत्कालीन नवीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चैम्बरलेन के स्थान पर विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री बने हैं और विंस्टन चर्चिल ने अपने कैबिनेट मंत्री, जिनका नाम है सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लंबे समय तक उसका भारतीय अभियानों में और राजनीति में योगदान रहा, दिलचस्पी रही, रुचि रही, इसलिए वो तैयार भी थे, बाकी लोग तैयार नहीं थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक सदस्य मिशन भारत भेजा गया। सर स्टेफर्ड क्रिप्स 22 मार्च 1942 को कराची बेस पर उतरते हैं, हवाई जहाज के द्वारा वो आते हैं। कराची से वो जोधपुर जाना चाहते हैं, लेकिन मच्छरों की वजह से वो जोधपुर नहीं जाते और 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचते हैं। उसके बाद अलग अलग इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रतिनिधियों से, जैसा कि आपको ज्ञात हो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से बातचीत करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया। इसका मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से दो प्रतिनिधि अधिकृत ऑथोराइज किए गए, मौलाना आज़ाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना प्रत्याशी थे और मोहम्मद अली जिन्ना ने बातचीत की। इसके अलावा हिंदू महासभा के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की गई। तत्कालीन विनायक दामोदर सावरकर इंडियन महासभा, हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी बातचीत की और इस प्रस्ताव को रिजेक्ट करने की बात कही। इसके अलावा अन्य जो रीजनल गवर्नमेंट थी उनमें सिखों में अगर बात करें तो मास्टर तारा सिंह से भी बातचीत की और मास्टर तारा सिंह ने कहा कि यदि पाकिस्तान की मांग स्वीकार की जाती है तो सिखिस्तान की मांग को भी स्वीकार किया जाए, पंजाब के सिखों के लिए धर्म के आधार पर एक अलग देश बनना चाहिए और जिसका नाम सिखिज्म होगा, सिखिस्तान होगा, लाइक पाकिस्तान, हिंदुस्तान, सिखिस्तान, अदर।
इस्तान जो मैंने कहा पाक प्लस इस्तान, जब चौधरी रहमत अली ने इस शब्द को ईजाद किया, पी ए के पाक मीन्स पवित्रता होली और इस्तान का मतलब है लैंड जमीन, पवित्र जमीन की बात कही गई। इस्लाम धर्म के लोगों के लिए जिस पवित्र जमीन को तलाशा गया वह चौधरी रहमत अली की इमेजिनेशन थी और उन्होंने एक पाकिस्तान की संकल्पना को डिजाइन किया कि पाकिस्तान ज्योग्राफिकल रूप से वर्तमान बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान के नाम से जिसको जाना जाता था, वह उसकी इमेजिनेशन थी। इसके बाद 29 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन के द्वारा अपनी योजना पब्लिश की गई, रेडियो पर अभिभाषण दिया गया, अपनी विचार योजना का प्रचार प्रसार किया गया, जिससे महात्मा गांधी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सिख, अंबेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना सहमत नहीं हुए। सबके अपने अपने इंटरेस्ट थे, अपने अपने हित थे, इसलिए उन्होंने इस योजना को रिजेक्ट कर दिया। क्रिप्स मिशन अथवा क्रिप्स प्रस्ताव, जिसमें इनडायरेक्टली पाकिस्तान की मांग को एक्सेप्ट किया गया था, अगर ग्रुपिंग की बात करें, समूह की बात करें, तो वास्तव में एक पाकिस्तान नहीं अपितु अनेकों पाकिस्तान, जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। क्रिप्स मिशन को अगर लागू किया जाता है तो अनेक देश बनेंगे, भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लाइक 562 प्रिंसली स्टेट, 11 प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंड सेंट्रल प्रोविंस। इन सब को देखा जाए तो लगभग 600 से भी ज़्यादा देश बन सकते थे, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स को ये अधिकार दिया गया, ये कहा गया, हालांकि भावी योजना थी क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन में कहा गया युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट के लिए, भारत की संविधान सभा के लिए और उनकी स्वतंत्रता, जो ग्रुप उसमें शामिल होना चाहते हैं उसके आधार पर, और भारतीयों का महायुद्ध में क्या सहयोग रहा है, उस सहयोग का मूल्यांकन गवर्नर जनरल के द्वारा किया जाएगा, उस सहयोग के आधार पर वो नवीन योजना बनाएंगे, आगे की कार्य नीति बनाएंगे, ये सब कुछ उसमें शामिल था। इसलिए दोस्तों क्रिप्स मिशन को किसी भी समूह ने स्वीकार नहीं किया। पहली बार महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के लिए, क्रिप्स प्लान के लिए, क्रिप्स योजना के लिए कहा पोस्ट डेटेड चेक। मिस्टर क्रिप्स का जो प्रपोजल है वह एक ऐसा प्रपोजल है जिसकी तारीख जा चुकी है, या जो एक उत्तर तिथि का चेक है जिसकी तारीख भविष्य में लिखी गई है, और उस पोस्ट डेटेड चेक का कोई मतलब नहीं है, ऐसे चेक को रद्द किया जाता है और मिस्टर क्रिप्स सुबह के जहाज से वापस अपने घर जा सकते हैं। अगर उनको यही प्लान बताना था, यही प्लान लाना था, यही योजना थी उसकी और यही कार्य नीति थी, तो अगस्त प्रस्ताव को ही लागू करना था बेसिकली, तो उसको यहाँ आने की, कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, वह जा सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि वह एक दिवालिया बैंक है, जो ऐसा बैंक जो डूब चुका है, उस बैंक के द्वारा दिया जाने वाला चेक है क्रिप्स के लिए, कि मेरे मित्र शैतान के वकील बनकर भारत आए हैं वकालत करने के लिए। क्रिप्स जो उसका मित्र है, विंस्टन चर्चिल जो शैतान है, और भारत में उसने क्रिप्स को अपना वकील बनाकर भेजा है कि वो भारतीयों से कन्वेंस करें, बातचीत करें, ताकि द्वितीय महायुद्ध में सहयोग लिया जा सके और भारतीयों को फिर से गुमराह किया जा सके। परंतु इस बार भारतीयों ने क्रिप्स की एक बात नहीं सुनी, हालांकि विंस्टन चर्चिल और क्रिप्स भी खुद ये चाहते थे कि इंटरनेशनल सिनेरियो में दिखाया जाए कि ब्रिटिश ये चाहता है, ब्रिटिशर ये चाहते हैं कि भारत की समस्या का समाधान हो, लेकिन भारतीय ये नहीं चाहते हैं कि उनकी समस्या का समाधान हो। ये वो अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के सामने ऐसा दिखाना चाहते हैं। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद एक बड़ा जन मास मूवमेंट किया गया जिसका नाम क्विट इंडिया मूवमेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद चलाया गया। 14 जुलाई 1942 महाराष्ट्र के वर्धा में सेवाग्राम नाम के गांव में गांधी का आश्रम है, जहां गांधी 1936 से 1948 तक आजीवन रहते हैं। महाराष्ट्र के वर्धा कस्बे के इस छोटे से सेवाग्राम में महात्मा गांधी का सेवाग्राम आश्रम या वर्धा आश्रम स्थापित किया गया है। वर्धा में कांग्रेस कमेटी की मीटिंग होती है और कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में 14 जुलाई 1942 को वर्धा रेजोल्यूशन को पास किया जाता है, वर्धा प्रस्ताव को पास किया जाता है, और इस वर्धा प्रस्ताव के अंतर्गत ही
भारत छोड़ो आंदोलन अथवा क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन शामिल था। इस प्रस्ताव के पारित होने से ही लगभग ये मान सकते हैं कि 90% भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र, 8 अगस्त 1942, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, 8 अगस्त 1942 की शाम को संध्या के समय बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा गांधी के इस रेजोल्यूशन को, जिस रेजोल्यूशन को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा है और नेहरू ने बनाया है, लिखा है और सेकंडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है, ऐसे क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को पारित किया जाता है और एक बड़े मूवमेंट का आगाज किया जाता है जिसे क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं। और इसे 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया, अगस्त क्रांति, अगस्त रिवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी ने शाम को इस सभा को संबोधित करते हुए, कांग्रेस कार्यकारिणी और जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं। पट्टाभी सीतारमैया के शब्दों में महात्मा गांधी ऐसे लग रहे थे, ऐसे बोल रहे थे जैसे कि कोई पैगंबर, ईश्वर का अवतार यहां आकर प्रवचन दे रहा है और जनमुक्ति का गायन कर रहा है। वे सच में एक महान आत्मा की तरह दिखाई दे रहे थे। 8 अगस्त 1942 को गांधी ने कहा, मैं तुम्हें छोटा सा मंत्र देता हूं, इस मंत्र को तुम्हें अपने जीवन में अपनाना है। जो जैसा कर सके उसको करना चाहिए स्वरूप में। अगर विद्यार्थी कॉलेज छोड़ सके तो छोड़ना चाहिए, किसान खेती छोड़ सके तो छोड़ देना चाहिए, मजदूर कारखाने छोड़ सके तो छोड़ देना चाहिए, कामगार हड़ताल कर सके तो हड़ताल कर देनी चाहिए, सरकारी कर्मचारी ऑफिस जाना छोड़ सके तो छोड़ देना चाहिए, नौकरी छोड़ सके तो छोड़ देना चाहिए। उन्हें डू ओर डाई, करो या मरो का मंत्र है कि इस प्रयास में, इस बार ये हमारी आज़ादी की अंतिम लड़ाई है, इस लड़ाई में या तो हम अपने देश के लिए प्राण दे देंगे अथवा आज़ादी को प्राप्त कर लेंगे। ये महात्मा गांधी का प्रण है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसका मतलब हिंसा से नहीं है, ये एक अहिंसक आंदोलन की अगुवाई की गई है, अहिंसक आंदोलन का आगाज किया गया है, जिसमें यदि हिंसा भी किसी ने की तो वह ब्रिटिश एम्पायर ने की, राज्य के द्वारा डायरेक्ट रूप से हिंसा की गई, लोगों को मौत के घाट उतारा गया। ब्रिटिश सरकार ने वायसराय लिनिथगो के आदेशानुसार ऑपरेशन जीरो हावर ऑपरेट किया गया है। इस ऑपरेशन जीरो हावर के माध्यम से मार्शल लो जैसी कार्रवाई की गई और सबसे पहले कांग्रेस कार्य समिति के तमाम लीडर्स को अर्ली मॉर्निंग 9 अगस्त ऑन संडे, रविवार की सुबह 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और विशेष रूप से पुणे के आगा का पैलेस में और मुगल साम्राज्य के अहमदनगर किले में बंदी बना दिया गया। आगा का पैलेस में महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, उनकी धर्मपत्नी मीराबाई साराभाई या मीराबेन, स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध सरोजनी नायडू, ब्रिटिश जनरल एडमिरल की बेटी मेडलिना और गांधी के महासचिव महादेव, गांधी के निजी सचिव महादेव देसाई को बंदी बनाया गया। दोस्तों, लगभग 2 साल तक गांधी इधर ही रहे और यहीं पर महात्मा गांधी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी का और उनके खास ब्रिलियंट निजी सचिव महादेव देसाई का ब्रिटिश एम्पायर की प्रिजन में देहांत हो गया। ब्रिटिश साम्राज्य के इस जुल्मों की इंतहा देखिए कि ऐसे स्वाधीनता सेनानी जिनको हम गांधी युग के नाम से, राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, उनके सामने उनकी पत्नी का देहांत हो गया और उनके निजी सचिव की हृदयघात से मृत्यु हो गई। ब्रिटिश साम्राज्य कितना क्रूर और आततायी था हम समझ सकते हैं। दूसरे स्थान पर जो अहमदनगर का दुर्ग है, वहां पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, जे बी कृपलानी,
इत्यादि कांग्रेस के नेताओं को नजरबंद किया गया, किलाबंदी कर दी गई। गिरफ्तारी की खबर पूरे बंबई में आग की तरह फैल गई और जगह जगह पर भीड़ के द्वारा हिंसा की गई। रेल की पटरियां उखाड़ दी गई, पुलिस थानों में आग लगा दी गई, टेलीफोन और डाकघर की लाइनों को काट दिया गया और जगह जगह पर तीव्र हिंसा हुई। स्टेट और इंडियन म्यूटिनी के बीच, इंडियन सिटीजन के बीच जबरदस्त झड़प हुई। दोस्तों, पूरे आंदोलन के दौरान लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया ब्रिटिश एम्पायर ने। लगभग 60,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। राज्य ने जबरदस्त हिंसा का प्रयोग किया, जिसके प्रतिरोध में गांधी ने आगे चलकर 21 दिन का उपवास किया और उस उपवास ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया। जब आंदोलन में तमाम कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तो ये आंदोलन एक नेतृत्व विहीन आंदोलन हो गया, लीडरशिप लेस मूवमेंट हो गया। परंतु इस आंदोलन का संचालन करने के लिए समाजवादियों ने अपना लोहा दिखाया, अपनी मजबूती दिखाई और अंग्रेजों को नाकों चने चबा दिए। इन समाजवादियों में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई उसमें राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, आरपी गोयनका, छोटू भाई पुराणिक, जयप्रकाश नारायण, बीजू पटनायक तथा महिला विंग के रूप में अरुणा सपली, उषा मेहता, सुचेता कृपलानी के द्वारा मूवमेंट को हवा दी गई, मूवमेंट में जी जान डाली गई, लोगों को आक्रोशित किया गया, लोगों को मोटिवेट किया गया, लोगों को ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खड़ा किया गया, युवाओं में जान फूंकी गई। उषा मेहता के द्वारा बंबई में अंडरग्राउंड रेडियो का संचालन किया गया, जो राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता के द्वारा सुचेता कृपलानी ने जगह जगह लोगों को मूवमेंट किया, लोगों को जागरूक किया। अरुणा सपली, आसफ अली की पत्नी अरुणा सपली के द्वारा नेशनल फ्लैग को उठाकर राष्ट्रीय ध्वज को झुकने नहीं दिया गया। तो ऐसे राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, आर पी गोयनका, छोटू भाई पुराणिक, जयप्रकाश नारायण, बीजू पटनायक, अरुणा सपली, उषा मेहता और सुचेता कृपलानी, तमाम समाजवादियों ने, पत्रकारों ने, व्यापारियों ने इस आंदोलन में जी जान से भाग लिया, बिना प्राणों की परवाह किए। तो आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है, आज़ादी के लिए हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने जी जान देकर संघर्ष किया है, तब जाकर इस ब्रिटिश दासता और गुलामी से हमें आज़ादी मिली है, तब जाकर इन जंजीरों को तोड़ा गया है। इस आंदोलन के दौरान बड़े स्तर पर सार्वजनिक हिंसा हुई। इस हिंसा के प्रतिघात के रूप में ब्रिटिश सरकार ने, आपको आश्चर्य होगा कि इस शांतिपूर्ण और अहिंसक आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने मशीनों से गोलीबारी की। बिहार में ब्रिटिश एयरफोर्स के द्वारा मशीन गन से फायरिंग की गई, लोगों को रौंद दिया गया, बहुत बड़ी हिंसा की, जिसके प्रतिरोध में महात्मा गांधी ने फरवरी 1943 में 21 दिन का उपवास किया, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी। उनको ये मालूम हो गया कि महात्मा गांधी का कितना रोल है। ललित घो ने पत्रकारों से बात करने से, इंटरव्यू देने से, गांधी से किसी को मिलने से मना कर दिया। ऐसी स्थिति थी और विंस्टन चर्चिल की सांसें फूल गई जब गांधी का जीवन दांव पर लग गया। 21 डेज फास्ट गांधी ने किया। तो आप सोच सकते हो कि गांधी कहाँ तक इतना मजबूत था, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की चूलों को हिला कर रख दिया, ऐसे थे गांधी। इस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ी और खास बात थी कि अनेक स्थानों पर रीजनल गवर्नमेंट अथवा पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना की गई, जिसमें चार महत्वपूर्ण स्थान मुख्य रहे। नंबर एक पर अगस्त 1942 में उत्तर प्रदेश के बालिया नामक क्षेत्र में एक वीक के लिए चितु पांडे के नेतृत्व में पहली पैरेलल गवर्नमेंट का गठन किया गया। दूसरी सरकार दिसंबर 1944 से लेकर 1942 से लेकर 1944 तक है, जो तामुलक पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के तामुलक प्रांत में स्थापित हुई और इस सरकार का नाम जातीय सरकार था और इस जातीय सरकार का नेतृत्व करने वाले सतीश सामंत थे, जिनके नेतृत्व में इस सरकार को ऑपरेट करने के लिए एक आर्मी टाइप में ग्रुप भी बनाया गया, जिसको ब्यूरोक्रेट्स का ग्रुप कह सकते हैं, लोगों का समूह कह सकते हैं, जिसका नाम विद्युत वाहिनी सेना रखा गया। तो जातीय सरकार
विद्युत वाहिनी सेना और सतीश सामंत का संबंध तामुल की प्रांतीय समानांतर सरकार से था और यह सरकार 1942 से लेकर 1944 तक समानांतर रूप से संचालित हुई। तीसरी सरकार 1942 से 1945 तक महाराष्ट्र के सतारा में स्थापित हुई। इस सरकार का नाम एंटी गवर्नमेंट प्रति सरकार रखा गया और न्यायदान अथवा ग्राम मंडल के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस सरकार का नेतृत्व सतारा में वाई बी चौहान और नाना पाटिल के द्वारा किया गया, जो रॉबिन हुड स्टाइल में जस्टिस का कार्य करते थे, स्वतंत्र रूप से वो न्याय का कार्य करते थे। चौथी महत्वपूर्ण सरकार 1943 में उड़ीसा के कोरापुट में स्थापित की गई, जिसका नेतृत्व लक्ष्मण नायक के द्वारा किया गया। तो इस तरह से जो भारत छोड़ो आंदोलन था, क्विट इंडिया मूवमेंट था, अंग्रेजों भारत छोड़ दो, भले ही ईश्वर के नाम पर लेकिन भारत छोड़कर यहाँ से भाग जाओ आंदोलन के कारण, अंग्रेज तो भारत छोड़कर नहीं भागे, परंतु एक ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण, ऐसा परिवेश तैयार किया गया जिसने अंग्रेजों को नानी याद दिला दी, अंग्रेजों के होश उड़ा दिए, उनकी ज़मीनें हिला दी, उनको इस बात का एहसास करा दिया कि अब वह समय आ गया है जब उनको अपनी बोरियां बिस्तर, अपने साम्राज्य के लवादे को लपेट लेना चाहिए, समेट लेना चाहिए और बैकफुट पर जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इसी की बदौलत आगे चलकर 1945 में वेवेल प्लान, कैबिनेट मिशन योजना और भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947, 15 अगस्त 1947 भारत को आजादी मिली। 30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई नाथूराम गोडसे के द्वारा, और जैसा आरएसएस के नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा, मैंने गांधी को क्यों मारा उसकी अपनी आइडियोलॉजी है, लेकिन आइंस्टीन का कहना है कि हत्यारे ने गांधी को मारा नहीं, गांधी को उसने अमर कर दिया, वह हमेशा हमेशा के लिए भारतीय इतिहास में अमर हो गया, उसका नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिख दिया गया और जब तक ये पृथ्वी ग्रह रहेगा हिंदुस्तान की सरजमी रहेगी, महात्मा गांधी का नाम इन सितारों की तरह हर रात में चमकता रहेगा, सूर्य की तरह उजाला करता रहेगा। हिंद स्वराज, दक्षिणी अफ्रीका में सत्याग्रह, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, अहिंसा, सत्याग्रह, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, इतना इत्यादि रचनाओं का संबंध महात्मा गांधी से रहा है। महात्मा गांधी ने न केवल लेखन के क्षेत्र में, कर्म भूमि के क्षेत्र में, जीवन में हर परिस्थिति में संघर्ष का कार्य किया और इसीलिए एक लीडर के रूप में महात्मा गांधी का, भले ही वर्तमान सरकारों के द्वारा हिंसात्मक गतिविधियों को अथवा क्रांतिकारियों को बड़ा बनाने का, उनके उस विजन को छिपाकर केवल पद लोलुपता के रूप में, भावनात्मक रूप में कितना ही आगे क्यों बढ़ा, क्यों न बढ़ाया जाए, महात्मा गांधी का कद न तो छोटा था और न छोटा किया जा सकता है। आइंस्टीन के शब्दों में, हो सकता है आने वाले 100-200 साल के बाद ऐसा भी हो कि भारत के लोग या अन्य लोग ये विश्वास करने से मना कर दें कि इस धरती पर हार्ड मास के ऐसे पुतले ने कभी जन्म लिया था, अवतार लिया था। निसंदेह महात्मा गांधी एक महामानव थे, सुभाष चंद्र बोस के शब्दों में वो हमारे नेशन फादर थे, राष्ट्र पिता थे। वास्तव में उनका योगदान अविस्मरणीय, अतुलनीय और अद्वितीय रहा है। ये था गांधी के संदेश से नेतृत्व में गांधी का अंतिम आंदोलन, जिसे क्विट इंडिया मूवमेंट अथवा अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।